मगर साथियों गर्व की बात है, बहुत ही हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि आज की तारीख में अगर अच्छे लोग ईमानदार लोग हैं तो वो कामरेड हैं। और कामरेड का जो है जो जीवन है वो एक ऐसा जीवन है जिसको शायद मेरे को नहीं लग रहा कि आम जनता को पता है, या आम जनता को पता है तो कुछ ही लोगों को पता है, जो कम्युनिस्ट पार्टियों में जो वामपंथी दलों में काम करते हैं उनको पता है। आम जनता में उनका एक जो असली रूप है असली चेहरा है वो कहीं पर नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि वामपंथी पार्टी का जो कार्यकर्ता बनता है उसकी पहली शर्त होती है कि उसको ईमानदार होना है, उसकी पहली शर्त होती है कि उसको अपने जीवन में समाज का जो काम है उसको अपनी जीवन से सबसे पहली कतार में होना, सबसे ऊपर करना है। उसकी सबसे पहली शर्त होती है कि उसको समाज में अपनी जो आमदनी है उसको सार्वजनिक रूप से सबको पता होना है, जो भी उसकी आमदनी है। इस प्रकार की जो स्थिति है ये किसी भी पार्टी में नहीं है। दूसरा जो पक्ष है जो जीवन का, अगर आप देखोगे बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है। बहुत बड़ी ऐसी संख्या में लोग हैं जिन्होंने अपनी जीवन की पूरी संपत्ति जो भी उनके पास है वो सारा पार्टी को समर्पित कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, मगर उन्होंने अपना जीवन आम जनता को, देश के गरीबों के लिए, देश की जनता के लिए समर्पित कर दिया है। पार्टी के साथ खड़े हैं, एक राजनीतिक विचारधारा के साथ खड़े हैं। ऐसी पार्टी अगर कोई देश की पार्टी है तो वो वामपंथी पार्टियां हैं। ये एक और इसके साथ है जो जुड़ी हुई बात है कि इनका जीवन जीने का, वामपंथी जो कार्यकर्ता है जो मार्क्सवादी दर्शन को मानते हैं, लेकर चलते हैं उसको, उसमें सबसे अच्छी बात है कि अंधविश्वासों बिना तार्किक सवालों को मानते नहीं। और बहुत अच्छी बात है कि जो सही चीज को सही चीज, गलत चीज को गलत चीज मान के अपने जीवन को जीते हैं। बहुत बड़ी अच्छी जो एक चीज और है जिसमें जातिवादी व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सारी चीजों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। एक और अच्छी बात है जिसमें महिलाओं का जो सम्मान है, महिलाओं के बारे में बराबरी का सम्मान को लेके मानते हैं, महिलाओं की महिला है करके ऊंच नीच की भावना नहीं होती है। खुद काम करते हैं अपने घर का, बहुत बड़े कॉमरेड हैं जो, कई कॉमरेड हैं जो अपने घर में अपने कपड़ा धोने से लेकर के पूरा काम जो है खुद करते हैं। इसके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जो है पूरी की पूरी जिंदगी शुरू से आखिरी तक, अगर उनका आप पूरा देखोगे, घर का सामान, पूरी कमाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में कुछ नहीं होता है, फाइनली जब उनका जीवन का अंत होता है तो घर में कुछ किताबें मिलती हैं, कुछ जोड़ी कपड़े मिलते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो है पूरे जीवन में जो काम करते हैं ऐसे लोग कामरेड होते हैं। हमें गर्व है कि हमारे इस समझ के लोगों की बड़ी संख्या हमारे देश में है। और मैं हमें कहना चाहते हैं कि समाज को ये सोचना चाहिए कि अगर राजनीति में आज ये चाहता है पूरा समाज कि ईमानदार लोग चाहिए, यदि ये चाहते हो कि भ्रष्टाचार मुक्त हमको नेता चाहिए, यदि ये चाहते हो कि हमें समाज में ऐसे लोग चाहिए जो समाज में अपना जीवन समर्पित कर सके, तो आपको सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही विचारधारा है, वो है वामपंथी विचारधारा, वो है कामरेड लोग, वो है कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, वो है मार्क्सवादी दर्शन को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में देश में हैं। यदि हम इस विचारधारा को मानेंगे तो देश में एक अच्छी और स्वच्छ राजनीति आएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कामरेड हैं, हमें इस बात का गर्व है कि हम कामरेड